इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि इसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले ये जो हमारा 12 है और ये जो 1 है, इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो टोटल हमें 12 मिलेगा। अब हमें करना क्या होता है, आप देखिए कि अगर हम 6 टाइम्स 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, या 12 टाइम्स 1 करेंगे तो 12 आएगा, या 4 टाइम्स 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा हमारा। तो करना क्या होगा, अब यहाँ पर 12x² को हमने कॉपी किया। अब देखिए, आपको ऐसा लेना है फैक्टर्स जिसको जोड़ने घटाने से -7x आ जाए। तो अगर हम देखें कि ये अगर मैं यूज़ करता हूँ, -3x लेता हूँ और -4x लेता हूँ, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो -7x आ जाएगा। ये तो यूज़ नहीं हो पाएगा, ये भी यूज़ नहीं हो पाएगा, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -3x - 4x और +1 पुट करेंगे। एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा था तो मुझे +12 मिला था, तो इन दोनों फैक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -3 और -4 को, तो मुझे +12 मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग करेक्ट हैं। अब करना क्या होगा, अब हम लोग इसका पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो 12x² - 3x, और इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे प्लस, तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा -4x + 1। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे कि टेकिंग आउट कॉमन करेंगे 3 को, तो 3x हमारा बाहर आ जाएगा और इस 3 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 4x होगा, और इसको अगर मैं पूरा डिवाइड करूँगा तो -1 हो जाएगा। देन प्लस, इसमें से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो इसमें से हमें कुछ बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर माइनस को टेकिंग आउट करके बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, तो मुझे 4x और यहाँ पर प्लस लाने के लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर नोटिस करना है कि 4x - 1 है और यहाँ पर 4x - 1 है, ये दोनों हमारा सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो इसका मतलब कि हमारा जो प्रोसेस है वो सही जा रहा है। अब क्या करेंगे, 3x - 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 3x - 1 हो जाएगा और 4x - 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फैक्टराइजेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं और इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये देखना है कि 6 का कौन कौन फैक्टर हो सकता है, तो हम देख सकते हैं कि 2, 3 या 6 हो सकता है, या 6 टाइम्स 1 हो सकता है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 2x² ये हमने कॉपी किया। अब आपको ऐसा रखना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 7x आ जाए। तो अगर मैं ये यूज़ कर लेता हूँ 6x और x को, तो 6x + x रखता हूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 6 ही मिलता है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसका पेयरिंग करेंगे, 2x² + 6x नाउ प्लस x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा x + 3, और यहाँ से तो हम कुछ नहीं तो 1 निकाल लेंगे तो x + 3। आपको नोटिस क्या करना है कि x + 3 और x + 3 क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम जो ये जो प्रोसीजर हम लोगों ने फॉलो किया हुआ है, दिस इज़ करेक्ट। तो फाइनली जो हमें मिलेगा x+3, और यहाँ पर देखिए 2x और ये प्लस 1 साथ में, तो हमारा टोटल फैक्टराइजेशन इस तरीके से होगा।
अब इसे फैक्टराइज करने के लिए इस सिक्स को इस सिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो मुझे क्या मिलेगा 36। एक्चुअली ये माइनस में है तो इसे हम लोग बाद में देख लेंगे। अब देखिए कि 36 कब कब मुझे मिलता है, 6 times 6 मिल सकता है, या और मुझे कैसे मिल सकता है 9 times 4 करके, और 36 times 1 करके मिल सकता है। अब इसमें से मुझे ऐसा चूज करना है ताकि जोड़ने घटाने या मल्टीप्लाई करने से 5x आ जाए। तो अगर आप इसको देखिए, अगर 9x माइनस 4x करूँगा तो मुझे 5x मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर 6x² प्लस ये वाला यूज़ करता हूँ, 9x माइनस ये हमारा हो जाएगा 4x और ये माइनस हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पेयर करेंगे तो हो जाएगा 6x² प्लस 9x नाउ प्लस माइनस 4x माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 को बाहर निकाल सकते हैं और x को, तो हो जाएगा, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। अभी कितना जा सकता है, 2 से दोनों जाएगा, तो मैं 2 को बाहर निकाल देता हूँ, 2 times 4x, और मुझे यहाँ माइनस रखना है तो मुझे प्लस रखना होगा, दैट इज 3। तो आप देखिए कि यहाँ पर और यहाँ पर 2x + 3 सेम है, तो हम समझ रहे हैं कि ये करेक्ट हमारा जा रहा है। अब हम क्या देखेंगे कि 2x + 3 इस तरह से ले लेंगे और 3x - 2 को इस तरह से कर लेंगे, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब हम समझ सकते हैं कि 12 times 1 एक हो जाएगा, 3 times 4 भी 12 हो जाएगा, और 6 times 2 भी 12 हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है, ये मैं कॉपी करूँगा 3x² और मुझे ऐसा रखना है मिडल टर्म कि माइनस एक्स आ जाए। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 13 आएगा, या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 11 आ रहा है। अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा, बट सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूँ इसे तो हम लोग -x ला सकते हैं, तो हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 3x - 4x, क्योंकि 3x में से -4x करेंगे तो -x हमारा आ जाएगा और -4 हो जाएगा। नाउ अब हम इसका पेयरिंग करेंगे, 3x² प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 4x, यहाँ पर माइनस है तो -4x -4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से बाहर निकालेंगे कॉमन को, तो 3x बाहर आ जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। इन द सेम यहाँ पर हम माइनस को टेकिंग आउट कॉमन करेंगे तो 4 मुझे बाहर आएगा और x, और यहाँ पर मुझे माइनस लाना है तो प्लस 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये हमारा इक्वल आ चुका है, तो हम सही फैक्टराइजेशन प्रोसेस में जा रहे हैं। अब हम x प्लस 1 को इस तरह से लिख लेंगे, और अब देखना है कि 3x अब ये किसके साथ है, इसके साथ -4, तो हमारा फाइनल ये आएगा। इस क्वेश्चन पर हम देखेंगे, अब यहाँ पर ये टाइप 2 क्वेश्चन हो गया, थोड़ा रूट वाला है तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो देखिए करना क्या होगा, इस रूट 3 को मल्टीप्लाई आप इस पूरे से कीजिए, तो हम लोग 6√3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे। तो आपको क्या पता है कि 6 और √3 को करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो मुझे कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। अगर आपको रूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस लेक्चर वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने रूट पर आपको सिखाया है कि कैसे डिवाइड, कैसे मल्टीप्लाई और कैसे एडिशन
किया जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 18 को हम अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो 9 टाइम्स 2 कर सकते हैं, या 6 टाइम्स 3 कर सकते हैं, या 18 टाइम्स 1 कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें से कौन वैल्यूबल चीज़ होगा जिसको यूज़ करने से हमें बेनिफिट होगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रूट 3x² हमने कॉपी कर दिया। अब मुझे ऐसा चाहिए ताकि जोड़ने घटाने पर मुझे 11 को शो कर सके। तो अगर आप देखिए इसको 9+2 अगर मैं करता हूँ तो मुझे 11 मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 9x+2x+6√3 हो जाएगा हमारे पास। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करना पड़ेगा। तो √3x² + 9x होगा, देन +2x+6√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत स्टूडेंट को ये होता है कि हम कैसे यहाँ पर किसी का कॉमन निकालें। तो बेहतर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आपको निकालने में बहुत टफ महसूस होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ से पहले काम करना शुरू सीखें। यहाँ से देखिए 2 को आप बाहर निकाल दीजिए तो मुझे x+3√3 आएगा, क्योंकि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 होगा और √3 आ जाएगा। अब मुझे पता है कि ये बार बार फिक्स्ड आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। तो x+3√3 हमने कॉपी कर लिया। अब मुझे ऐसा लेना है ताकि इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाला आ जाए। तो अगर मैं √3 कॉमन लेता हूँ तो देखिए √3 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो √3x² हो जाएगा, और 3 यहाँ पर और √3 और √3 करेंगे तो 3, तो 3 3 9 हो जाएगा हमारा। तो हमें अब क्या मिला, x+3√3 और √3x+2 मुझे एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर फैक्टराइज्ड हो गया। हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, और √2 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। दैट इज़ मुझे इतना मिलेगा। अब इसको मैं 12 × 15 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 10√2x². अब मुझे ऐसा सब्ट्रैक्ट या एडिशन करना है ताकि ये 3x के इक्वल आ जाए। तो अगर मैं 15x में से -12x करता हूँ तो मुझे 3x मिल जाएगा। तो हम लोग इसी को करते हैं, 15x - 12x और -9√2 हम लोग कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका पेयरिंग करेंगे, 10√2x² + 15x का इस तरीके से हमने कर लिया, देन +-12x - 9√2 का हमने इस तरह से पेयर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से 10 5 से डिवीज़न होगा और यहाँ पर भी 5 से डिवीज़न होगा, तो हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर x² और x है तो मुझे क्या मिलेगा, 2√2x + 3 ये मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं इस पूरे से डिवाइड करूँगा तो मुझे 3 मिलेगा। अब यहाँ से मैं माइनस कर लेता हूँ बाहर। अच्छा, अब यहाँ प्रॉब्लम एक चीज़ होगा कि हमें कितना रखूँ। तो देखिए मुझे तो इतना पता है कि ये दोनों सेम आना चाहिए, तो आप पहले यहाँ पर इसको इस तरह से कॉपी कर लीजिए ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब देखो आप यहाँ पर 12 लाना है तो आप कैसे लेकर आओगे, तो 12 लेकर आना है, यहाँ पर मुझे 9 लेकर आना है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस पर, कि अगर मुझे इसे 12 लाना है तो अगर मैं 3 6 रख दूँ, यानी कि 3√2 अगर मैं रख दूँ तो इसको मैं करूँगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसको अगर मैं लेके जाता हूँ तो 3 3 = 9 और √2 ये भी आ गया हमारा। तो ये हमारा फाइनल होगा। देखिए ऐसे वाले में दिक्कत होंगी, बट आप थोड़ा सा ब्रेन अपना यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगी बातें। अब 2√2x + 3 ये तो हमारा हो गया,
और मुझे क्या मिलेगा, 5x माइनस 3√2। तो ये हमारा फाइनली फैक्टराइज हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा देखें तो ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा डिफर जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3x प्लस वाई, और 3x प्लस वाई कॉमन है, तो मैं इसको सपोज कर लूँगा p। 3x प्लस वाई हमने इस तरीके से सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे, मैं इसको मॉडिफाइड कर दूँगा 5। इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, p, और इसके ऊपर स्क्वायर, देन प्लस 6। इसके जगह पर मुझे क्या रखना होगा, p, देन माइनस 8। अब हम जैसे फैक्टराइज करते हैं वैसे करेंगे। अब इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 40। अब 40 लाने के लिए मेरे पास क्या क्या रूल है, तो एक तो रूल है कि मैं 4 × 10 कर लूँगा। दूसरा रूल हमारे पास क्या होना चाहिए, 8 × 5 हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि मैं 6 कैसे ला पाऊँगा, तो इसको जोड़ने या घटाने से तो मुझे 6 मिल नहीं सा रहा। अब अगर मैं इसको देखूँ, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो 14 हो जाएगा, और इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 6 आने के चांस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5p² प्लस 10p में से हम 4p को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मुझे देखिए 6p मिल जा रहा है। अब इसका पेयरिंग करेंगे, 5p² प्लस 10p नाउ माइनस 4p माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं 5 और p को बाहर ले सकता हूँ, तो मुझे p प्लस 2 मिलेगा। यहाँ पर मैं माइनस टेकिंग आउट कॉमन करूँगा तो मुझे 4 मिल जाएगा, तो p प्लस 2 मिल जाएगा। यहाँ माइनस रखने के लिए माइनस को यहाँ पर प्लस में रखना होगा ताकि माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाए। अब मुझे क्या मिला, ये दोनों तो सेम है, देन p प्लस 2 टाइम्स 5p माइनस 4 आएगा, ये वाला इसके साथ। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो p की वैल्यू हमने लिया हुआ था, तो p की वैल्यू अगर हम देखें तो p की वैल्यू तो हम लोगों ने इतना लिया हुआ था, अब इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो p के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 हो जाएगा। नाउ 5, p के जगह पर हमने क्या लिया हुआ है, दैट इज 3x प्लस वाई देन माइनस 4। इसको हम आगे इस तरीके से ले सकते हैं, 3x प्लस वाई प्लस 2, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 15x प्लस 5y माइनस 4। तो टोटल फैक्टराइजेशन हमारा इतना होगा। अब हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2x माइनस वाई और यहाँ पर 2x माइनस वाई कॉमन है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम p सपोज कर लेते हैं, लेट p इज़ इक्वल टू 2x माइनस वाई हमने ले लिया। अब इस पर हम वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो मुझे यहाँ पर 9 है, और इसके जगह पर मुझे क्या रखना होगा, p, और इसके जगह पर स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस 4। अब इसके जगह पर मुझे फिर क्या रखना होगा, p रखना होगा, दैट इज़ माइनस 13। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे फैक्टराइजेशन करते थे वैसे करेंगे। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे इतना मिलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से अगर जब आपको लंबा दिखाई देने लगे तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर देंगे, तो 3 times हम चला जाएगा। और इस तरह से ही ख़त्म हो गया। अब मुझे ऐसा इसको बनाने की कोशिश करना है कि सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर मुझे -4 मिल जाए। तो अगर मैं
यहाँ पर इसको ले लेता हूँ 9 और यह है 13, तो मुझे तो 4 मिल जाएगा। तो 9x यूज़ कर लेता हूँ और 13x यूज़ कर लेता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा तो 9p² माइनस 13x प्लस 9x माइनस 13 रख सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। अब 9p² माइनस 13x, ये x सॉरी यहाँ पर मुझे p रखना पड़ेगा क्योंकि हमने वेरिएबल को बदल दिया है, तो हम p को रख देंगे, प्लस 9p माइनस 13 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम p को सिर्फ बाहर ले सकते हैं, तो p हमने बाहर निकाला तो 9p माइनस 13 होगा और यहाँ पर 9p माइनस 13 है। तो 9p माइनस 13 क्योंकि ये कॉमन था तो ले लिया, और p प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ये आएगा। अब हम p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो p की वैल्यू हमने कितना लिया था, तो आप देखेंगे कि p की वैल्यू हमने 2x माइनस y लिया हुआ था। तो अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, 9 p के जगह पर हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 13 और यहाँ पर 2x माइनस y प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो 18x माइनस 9y माइनस 13 ये आएगा, टाइम्स 2x माइनस y प्लस 1 आ जाएगा। तो फाइनली फैक्टराइजेशन हमारा ये हो गया। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 4x है और x स्क्वायर माइनस 4x है, तो हम इसको क्या सपोज करेंगे, लेट p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x हमने ले लिया। अब मुझे क्या करना होगा, इसको रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस करेंगे तो इस पूरे के जगह पर मुझे p रखना पड़ेगा और इसके जगह पर मुझे यहाँ से यहाँ मुझे क्या रखना है, p रखना होगा और यहाँ पर प्लस 1 देन माइनस 20 रखना होगा। अब हम क्या करेंगे, पी का पी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस पी हो जाएगा और माइनस 20 हो जाएगा। अब हम जैसे इसको स्प्लिट करते थे वैसे करेंगे, तो यहाँ पर 1 और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 होगा, तो हमें पता है कि एक इस तरह से हम 20 ला सकते हैं। तो किसको यूज़ करना बेटर होगा, क्योंकि अगर मैं 5 को 4 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1p मुझे मिल जाएगा, देन पी स्क्वायर प्लस 5p माइनस 4p माइनस 20 हम यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो p प्लस 5 और माइनस 4p प्लस 5 ये आएगा। तो हमने क्या देखा कि p प्लस 5 और p माइनस 4 ये आएगा। अब हम p की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने p की वैल्यू को कितना लिया हुआ है, तो वो हमने इतना लिया हुआ है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर p के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x है क्योंकि ये p की वैल्यू है, देन प्लस 5। अब हम यहाँ पर फिर p की वैल्यू को रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x देन माइनस 4, तो मुझे फाइनल फैक्टरेशन ये मिलेगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर 4x माइनस 1 अपॉन 4x है और यहाँ पर भी 4x माइनस 1 अपॉन 4x है, तो हम इस पूरे को हम p सपोज कर लेंगे। सो लेट p इज इक्वल टू 4x माइनस 1 अपॉन 4x हमने ले लिया।
अब हम क्या करेंगे, इस पर मॉडिफाइड करेंगे क्वेश्चन को, तो 12 इस पूरे की जगह पर क्या हो जाएगा, p, और इसका देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर रखना होगा, देन प्लस 5 इस पूरे की जगह पर मुझे क्या रखना होगा, p, देन माइनस 2, तो हमारा मॉडिफाइड होकर ऐसा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब 24 लाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, तो अब मुझे देना है, देखना है कि कौन 5p को देगा। तो 5p अगर हम देखना चाहें तो इससे हम लोग मिल सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 12p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 3p, अगर मैं 8 में से माइनस 3p कर दूंगा तो मुझे 5p मिल जाएगा, देन माइनस 2। अब मुझे इन दोनों में से बाहर लेना होगा 4 को, तो 3p प्लस 2, माइनस यहाँ से मैं बाहर ले लूँगा तो मुझे मिलेगा 3p देन प्लस 2। अब क्या होगा, अब ये तो हमारा सेम आ गया, तो 3p प्लस 2 नाउ 4p माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब हम p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 3p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4p के जगह पर 4x माइनस 1 अपॉन 4x एंड यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस तरह से, तो 12x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 2 रख सकते हैं, और इसको अगर हम करेंगे 4 से मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पर माइनस 3 इस तरह से रखना होगा, तो 16x माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये 4 कैंसिल हो जाएगा, देन मुझे यहाँ पर माइनस 1 रखना होगा, तो हम फाइनली इसको 12x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 2 और 16x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये रख देंगे, फाइनल आंसर हमारा ये होगा। अब हम यहाँ पे इस तरह से एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम जब लेंगे तो हमारा 12 होगा, 24x स्क्वायर 10x प्लस 1 होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 12 को बाहर ले लेंगे, तो 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 होगा। अब इस 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 24 को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, तो क्या लेने से मुझे फ़ायदा होगा, ताकि यहाँ पर मुझे 10 मिल जाए, तो इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, दैट इज़ 1 अपॉन 12 24x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 4x करूँगा तो मुझे माइनस 10x मिल जाएगा, देन प्लस 1। अब 1 अपॉन 12 अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, बाहर निकालूँगा 6x को, तो ये आएगा, और मैं यहाँ से बाहर निकालूँगा 4 को, 1 4x माइनस 1 रखूँगा ताकि प्लस हो जाए, तो 1 अपॉन 12
ये हो जाएगा 4x माइनस 1 और ये हो जाएगा 6x माइनस 1। तो फाइनली हमारा जो फैक्टराइजेशन होकर आएगा वो ये होगा। अब इस पर हम क्या करेंगे, हम इस एक्स स्क्वायर को y सपोज कर लेते हैं। अब इसको मॉडिफाइड करते हैं, अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। अब हमें ये बात पता है कि x स्क्वायर को हमने y लिया, तो ये y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो मुझे फाइनली 2 मिल रहा है, तो 2 लाने के लिए 2 इंटू 1 मुझे करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, y स्क्वायर माइनस 2y, माइनस y रखूँगा तो माइनस 3y मुझे यहाँ से मिल जाएगा, देन प्लस 2। अब हमें क्या करना है, पेयर इसका इसका बना लेते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस माइनस y प्लस 2, तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों से हम y बाहर निकाल लेंगे तो y माइनस 2 मुझे मिलेगा, और यहाँ पर मैं माइनस को बाहर निकाल लूँगा तो y माइनस 2 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों तो कॉमन हो गए, देन माइनस y माइनस 2 और y माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। अब हम क्या करेंगे कि y का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको देखना होगा कि ये एक आइडेंटिटीज़ को फॉलो कर रहा है, तो वो कौन सा आइडेंटिटीज़ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी के फॉर्मेट में आएगा, तो हम इसको उसी तरह से चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ ए स्क्वायर के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एक्स, और बी स्क्वायर करना है तो अगर मैं रूट 2 को दो बार करूँगा तो 2 ही आएगा, तो एक बार मैं प्लस रूट 2 रख देता हूँ और एक बार मैं माइनस रूट 2 रख देता हूँ। यहाँ पर वही होगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर शो करता है। इस क्वेश्चन को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि जो हमारा मिडल टर्म है ये रूट में है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला तरीका हमें ये होना होगा कि यहाँ पर 1 है, अब इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, तो मुझे कुछ ऐसा कंडीशन लेना होगा। तो फाइनली मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 6 मिल रहा है, लेकिन आप जो भी फैक्टर्स ढूँढें वो रूट के बेस पर ढूँढें, क्योंकि मिडल टर्म मुझे रूट में तोड़ना होगा। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो इसको करने के लिए अगर मैं इस तरीके से इसको डिवाइड कर दूँ, 2+1 का होल रूट 3, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो मुझे जोड़ने पे 3√3 आ जाएगा। अब देखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा 6 आता है या नहीं आता है, तो अगर मैं इसको ले जाऊँगा 2√3 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। तो अगर मैं इस 2√3 इंटू √3 अगर करता हूँ तो यहाँ से 2 मुझे मिलेगा, और √3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 मिल जाएगा, तो फाइनली मुझे 6 मिल जा रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे ये मिल जा रहा है, तो 3√3 के जगह पर हम इसको पुट कर सकते हैं या इसको पुट कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 6, ये हमें मिला यहाँ पर। अब 1, 2, 3, 4 टर्म्स हो गए, तो हम इसको क्या करेंगे, पेयर कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x ये एक साथ आ जाएगा, और प्लस √3x प्लस 6 हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा,
यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि हम किसको टेकिंग आउट कॉमन करें। तो देखिए यहाँ और यहाँ से तो मुझे सिर्फ x ही मिल सकता है, तो मैंने x को बाहर निकाल दिया, प्लस 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ये वाला मुझे कॉपी कर देना है, x प्लस 2√3, इससे हमारे स्ट्रेस कम हो जाएगा और टाइम हमारा सेव हो जाएगा। अब आप ऐसा यहाँ पर लो ताकि ये चीज़ फिट आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर √3 ले लेता हूँ, तो देखिए √3 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो √3x हो जाएगा, और मैं इसकी इसके साथ करूँगा तो 2 × √3 √3 6 हो जाएगा। देयरफॉर x प्लस 2√3 और x प्लस √3, तो फाइनली हमारा जो फैक्टराइजेशन हो रहा है वो ये होगा।